काफी सालों तक लोगों की नजरों से दूर इन गुफाओं को एक अंग्रेज अधिकारी ने शिकार के वक्त 1819 में ढूंढा था। इन गुफाओं को अजंता की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 1983 में इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने शामिल किया था। भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है। ये एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, काफी संख्या में लोग इसे देखने के लिए आते हैं। अजंता की गुफाएं घोड़े की नाल के आकार में बनी हुई है और वागुर नाम की नदी इसके दक्षिण से होकर बहती है। अजंता नामक एक गांव की तर्ज पर इसका नाम पड़ा हुआ है जो इससे सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा की गुफाएं भी अजंता की गुफाओं से काफ़ी समीप है, लेकिन अजंता की गुफाएं सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंध रखती है जिसमें बौद्ध धर्म के चैत्य और विहार दोनों शामिल है। चैत्य का मतलब होता है बौद्ध धर्म के मंदिर और विहार का मतलब होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु विश्राम करते हैं। एलोरा की गुफाएं जो इससे काफ़ी समीप है वो 3 धर्मों से संबद्ध रखती है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का कैलाश नामक का मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है इन एलोरा नामक गुफाओं में स्थित है। आई होप ये आपको अमेजिंग वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।